मैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हें यह वरदान देता हूं कि ना दिन में ना रात में ना जल में ना वायु में ना धरती पे ना आसमान में ना किसी देव या किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के महाराजा दशरथ ने अयोध्या को राजधानी बनाकर कौशल साम्राज्य पर शासन किया। यहां के लोग सुखी, धनवान और सुशिक्षित हैं। वे कुशल योद्धा भी हैं, शस्त्र विद्या और शल्य चिकित्सा दोनों में निपुण। राजा को 8 सक्षम मंत्रियों, वशिष्ठ और वामदेव नामक पुजारियों का समर्थन प्राप्त है, जो अच्छे चरित्र वाले हों और हमेशा राजा की समृद्धि का ध्यान रखते हो। राजा अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और वे भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनका शासन इतना प्रभावी है कि अयोध्या के आसपास मीलों तक कोई शत्रु नहीं है। उनके सुशासन की प्रसिद्धि 3 लोकों तक फैली हुई है। महाराज दशरथ अपने पुण्य कर्मों के बावजूद पुत्र न होने से दुखी रहते हैं। अपने वंश के बारे में चिंतित वह उत्तराधिकारी की तलाश के लिए चुनौतीपूर्ण अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। हालांकि उसे ब्रह्म राक्षसों से खतरे का सामना करना पड़ता है, जो यज्ञ में बाधा डालने पर आमादा है। Please do subscribe and click the bell icon for more videos.